कि हमारे इलेक्शन में वो बोले इमरान खान खड़े होकर कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अरे सुनो इमरान खान, सुनो मोदी, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का जो हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर, अरे इमरान खान तुम जो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सक रहे तुम हमको सिखा रहे। खान साहब शोलापुर में भी बड़े बड़े खान साहब आए जो तुम पे भारी बनेंगे, महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में एक से एक पठान है, ओरिजिनल पठान है जो इंशाल्लाह ताला भारत का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मित्रों को बनने नहीं देंगे। इमरान खान की ये हिम्मत कि कश्मीर के मसले के ऊपर कहता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी बनेगा तो अच्छा होगा। इमरान खान हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल की हसरत ये है कि तुम्हारे दिल की ख्वाहिश ये है कि तुम्हारा ख्वाब ये है कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया 23 मई को तो जान लो शोलापुर के लोगों, जान लो मेरे वतन अजीज के गयूर हिंदुस्तानियों, अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो सबसे पहले मिठाई खाएगा इमरान खान। अगर इमरान खान को नमक चकाना है, इमरान खान की जबान को काला करना है, अगर पाकिस्तान को छराना है, अगर इमरान खान के साहब को चुकना चूर करना है तो सुनो मेरे हिंदुस्तान के मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हम मोदी को नहीं बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। इमरान खान की इतनी हिम्मत, पाकिस्तान की मिलिट्री की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे भारत के मामलात में मदाखलत करोगे। हाँ इमरान खान एक और खुशखबरी सुन लो, जब तुम्हारा बोलना झूठा साबित होगा तो ये भी खबर तुमको आएगी 23 मई के दिन कि महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर पार्लियामेंट को जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी स्टेडियम में मोदी आए थे, कामयाब करना आप तमाम की जिम्मेदारी है। आप अंदाजा लगाइए कि मोदी बोल रहे हैं कि मुझे हराने के लिए अपोजिशन और कांग्रेस और ये तमाम लोग मिलकर, अपोजिशन में हम भी शामिल, और मोदी बोल रहे हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और प्रकाश अंबेडकर साहब को तो नंबर वन हिट लिस्ट पे है मोदी नंबर वन, और मोदी बोल रहे कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो पाकिस्तान में मिठाई बटेगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम आपने झूठ बोला, इमरान खान वहां से कह रहा है कि अगर तुम बन गए तो मेरा फायदा है। आप अंदाजा लगाइए एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, एक स्टेटमेंट देता है और आज दिन भर मोदी की सभाएं हुई, कहीं पर भी मोदी ने इमरान खान के स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया,
کیوں موڈی عمران خان کا بیان کیا آپ کو پسند آیا؟ اچھا لگا؟ دل کو ٹھنڈک پہنچی؟ کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی؟ اب تم کو رات میں نیند اچھی آئے گی کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر تم پردھان منتری بنو گے تو کشمیر کو حل کریں گے؟ میں ہندوستان کے تمام غیور ہندوستانیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں وطن سے محبت ہے تو عمران خان کے اس خواب کو چکنا چور کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ بھارت کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بھارت آپ سے مطالبہ کرتا ہے ہندوستان کے ہندوستانیوں کہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہم ہندوستانیوں سے کہہ رہا ہے، ہمارے لیے مداخلت کر رہا ہے، یہ ہماری عزت نفس کے خلاف ہے کہ کوئی ملک باہر کا فارنر ہم سے نہیں کہہ سکتا کہ بھارت کا پردھان منتری کون بنے گا۔ انشاءاللہ تعالی جب 23 مئی کو نتیجہ آئے گا تو موڈی یاد رکھو، ہم عمران خان کے اس بات کو، بھارت کے 130 کروڑ لوگ عمران خان کی اس بات کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ مہاراشٹرا کے غریب، دلت، مسلمان، دنگر سماج کے لوگ، کولی سماج کے لوگ انشاءاللہ تعالی بالا صاحب کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر دلی لے کر جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات، یہ کانگریس پارٹی سدھرنے والی نہیں ہے، یاد رکھو، نہیں سدھرتے۔ ابھی میں آیا شولاپور تو آتے ہی ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، میڈیا کے لوگ آ کر سوال کیے، میں نے کہا پوچھو، بولے کہ آپ بابا بالا صاحب کی تعریف کر رہے، کہیں کولیٹرل ڈیمیج تو نہیں ہو جائے گا؟ پھر کسی نے کہا کہ کہیں آپ بھڑکاؤ بھاشن تو نہیں دیں گے؟ اور آپ خود کمیونل ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کمیونل ہوں، کیا کرتے ہو؟ بولے نہیں آپ بول رہے، بولا ہاں میں کمیونل ہوں، موڈی تو کمپوزٹ کلچر کو ماننے والا ہے، کانگریس تو جنیو دارو نہیں ہے، ہم ہیں۔ بولے کیا بول رہے؟ بولا کیا تم مذاق کر رہے، سوال کر رہے یا مذاق کر رہے؟ بولے نہیں ہم کو پوچھنا پڑتا۔ بولا کون پوچھو؟ بولے تم کو دلی میں بیٹھ کے راہل بولے یا موڈی بولا پوچھو بول کے؟ ارے ہم سے سوال کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو۔ کولیٹرل ڈیمیج 70 سال سے اگر کسی کا ہو رہا ہے تو وطن عزیز میں دلت سماج کا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج اگر کسی کا ہو رہا ہے تو مائنورٹیز کا، خاص طور سے مسلم مائنورٹیز کا اور کرسچن کا ہو رہا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج اگر کسی کا ہو رہا ہے تو دنگر سماج کا ہو رہا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج اگر کسی کا ہو رہا ہے تو کولی سماج کا ہو رہا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج اگر کسی کا ہو رہا ہے تو کمزوروں کا، غریبوں کا ہو رہا ہے۔ اور اگر کس کو پروفٹ مل رہا ہے تو کانگریس کو پروفٹ ہوا، این سی پی کو پروفٹ ملا، بی جے پی کو ملا، شیو سینا کو ملا۔ تم کماتے رہے اور ہمارا کولیٹرل ڈیمیج کرتے رہے، ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائی آج آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آپ جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، میں آپ شولاپور کی عوام سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ یاد رکھو میری اس بات کو، اگر اب کی بار آپ میرے بڑے بھائی پرکاش امبیڈکر کے کامیاب نہیں کریں گے، سنو، اگر اب کی بار آپ پرکاش امبیڈکر صاحب کو کامیاب نہیں کریں گے تو یاد رکھو مہاراشٹرا کے مظلوم عوام،
याद रखो महाराष्ट्र के दलित समाज, धनगर समाज, माइनॉरिटीज, फिर हमको हमारी जिंदगियों में ऐसा मुखलिस लीडर नहीं मिलने वाला। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं अल्लाह जो है ना ऊपर वाला हमको एक तारीखी हिस्टोरिकल मौका दिया है। खुदा के लिए इस मौके को गनीमत समझो, अपने वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई। किसके लिए इस्तेमाल करोगे? तुमने 70 साल इन तमाम जालिमों को वोट दिया जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। तुमने 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन भारत में हुए, आपने उनको वोट दिया जिन्होंने हमारे बच्चों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया। शोलापुर के मुस्लिम अकलियतों, क्या यह बात सच नहीं है कि तुमने कांग्रेस को वोट दिया? आज कहने दो मुझे, तुमने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला हमको बताओ? क्या मिला? जेल की सलाखें मिली, पुलिस का एनकाउंटर मिला, टेररिज्म के झूठे मुकदमे मिले और जिंदगियां बर्बाद हो गई। बैंक से लोन नहीं मिलता, गरीबी मेरा मुखदर बन गया, ना इंसाफी मेरा मुस्तकबिल बन गया। बताओ कब तक तुम ऐसे जालिमों का साथ दोगे? आज हमारे पास एक मुतबादिल है, प्रकाश अंबेडकर के रूप में हमारे पास एक लीडर है। अगर हम इनका साथ देंगे तो इन ना इंसाफियों का खात्मा होगा। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करने आया हूं, एक वीडियो चला रहे यहां पर मेरे बड़े भाई का वीडियो चला रहे, अकोला में क्यों लड़े, वहां पर वो हिदायत है, क्यों लड़े, यहां के क्यों आए, वहां क्यों लड़े, ऐसा वीडियो कांग्रेस वाले चला रहे। सुनो, तुम्हारा बाप तुमको जवाब देने आया, तुम्हारा बाप तुमको जवाब देने आया। सुनो ये जवाब सुन के मुझे यकीन है कि तुम तमाम का पेट खराब होगा और तुम तमाम के तमाम रात भर टॉयलेट में बैठकर याद करते रहोगे। अकोला से क्यों लड़े बड़े भाई? तो कांग्रेसियों, मेरा जवाब तुमसे ये है कि केरला से राहुल गांधी क्यों लड़ रहा है, वायनाड से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं, शोलापुर की आवाम, शोलापुर के खयूर मेरे भाइयों, क्या ये बात सच नहीं है कांग्रेसियों कि वायनाड से कांग्रेस ने एक कैंडिडेट का ऐलान किया था जिसका नाम सिद्दीक था? क्या नाम था? सिद्दीक। उसके नाम को कैंसल करके राहुल गांधी वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं किसी के पार्टी के मामलात में बोलना नहीं चाहता था, मगर याद रखो अगर तुम प्रकाश अंबेडकर बाड़ा साहिब के बारे में झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारी हर एक लफ्ज का जवाब देंगे। और आज जवाब देने मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्यों तुमने सिद्दीक का टिकट काटा? केरला से 3 मुसलमान जीतते, अब सिर्फ 2 जीत के आएंगे और इंशाल्लाह दोनों भी मुस्लिम लीग के रहेंगे। तुमने क्यों काटा? वहां पर तुमको सिद्दीक की मोहब्बत याद नहीं आई और हिदायत की मोहब्बत याद आ रही? अरे तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ, नाम हिदायत रखने से हिदायत याफ्ता को नहीं हो जाता। अगर सिद्दीक, अगर तुम सिद्दीक को जानते हो तो तुमको मैं कह रहा हूं सच्चाई ये भी है कि वहां पर उसका नाम काटा और वो चले गए वहां पर लड़ने के लिए। अब तुम्हारे पास क्या सवाल है बताओ? क्या सवाल रहेगा तुम्हारे पास जब तुम्हारे सदर के बारे में मैंने कह दिया इनका आर्गुमेंट 0 हो गया? क्योंकि इनके राहुल पे बोल दिए तो इनको बोल दिया मां क्यों गए, हमको बोलना था। नहीं, हमारी आदत नहीं है
जो तुम्हारा गुरु कंटाल है उसी को बोलेंगे। चौथी बात यह मेरे भाई, देखो आप कुदरत भी हवाएं चला रही है माशाल्लाह, ये हवा में इसमें आवाज आ रही है, हवा भी सोलापुर की आवाज से कह रही है, सुनो हवा को। देखो ये हवा भी कह रही है कि सोलापुर में प्रकाश अंबेडकर की हवा चल रही है, सोलापुर में मोदी की हवा नहीं है, मोदी की हवा नहीं है, सोलापुर में शिंदे की हवा नहीं है, सोलापुर में सिर्फ बाला साहेब की हवा है, हवा है, हवा है। ये महाराष्ट्र में हवा तूफान का शक्ल अख्तियार करेगी जब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को कामयाब करेगी। मेरे भाई इनका एक और आर्गुमेंट कि और काटेंगे, अरे कब तक बोलोगे यार, काटेंगे 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 काटेंगे, तुम क्या तुम जोड़ रहे, तुम जोड़ने का काम कर रहे, तुम किसको जोड़े बताओ, तुम सिर्फ बड़े बड़े लोग पवार साहब अशोक राव साहिब ये साहिब लोग सिर्फ अपने आप असल कटवे तो ये लोग है, हम जोड़ने वाले हैं, हम दिलों को मिलाने वाले हैं, हम जो भाई आज एक प्रेस वाले पूछे आप दोनों मिल गए, मिला क्यों आपकी जल रही, बोले वो क्या बात, मिला हम लोग बरसों पहले बिछड़ गए थे आज मिले, अब यहां से मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर बार मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बताओ मेरे भाई ये दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी लगी आपको, आवाज से आवाज दिलाने कैसी लगी जोड़ी, खड़े होकर बोलो कैसी लगी जोड़ी, शहर के बच्चों को नहीं बचा सके,
वो कोर्ट में केस कर कर बरी हो गए। अच्छा शिंदे साहब चलो एक और सवाल आपसे, खालिद का इनकाउंटर हुआ इंदौर में, हुआ ना, याद है ना या भूल गए? तो खालिद के ताल्लुक से शिंदे साहब जब तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसमें बोले कि खालिद जो है इंदौर जेल की इतनी ऊंची दीवार कपड़ों को बेडशीट कवर पे चढ़ के कूद के चले गए, 50 फीट की दीवार। यानी खालिद इंसान नहीं था, जिन था, जिन उसको पर लगे थे, उड़ के डाइव मार के निकल गया और बाहर निकला तो कपड़े भी जूते सब फेल गया। शिंदे साहब आपकी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ प्राइम मिनिस्टर है, 3 महीने हो गए, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? आप इंक्वायरी करो ना, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, वो मुसलमान मरे ना, अगर इंक्वायरी करेंगे तो उनका वोट नहीं मिलता हमको, वो लोग वोट नहीं डालेंगे। अरे तो तुमको नहीं मालूम क्या, ये कब तक तुम हमको सुना सुना कर हमको बहलाओगे, हमको फुसलाओगे, हमको डराओगे? अरे हम इंसाफ चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते खालिद से इंसाफ हो? बताओ क्या तुम नहीं चाहते खालिद से इंसाफ हो? तो फिर क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार इंक्वायरी भी ऑर्डर नहीं करती, डर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके कारनामे, 16 मरतबा मिनिस्टर क्या क्या बने, कुछ नहीं कर सके। और मैं सोलापुर के वोटर से अपील कर रहा हूं, एक तरफ प्रकाश अंबेडकर साहब, दूसरी तरफ शिंदे, तीसरी तरफ जो भी है, जो भी है, सुनो आप, अब इन तीनों को आप देखो, अब इन आपको कोई मसला पैदा हो गया। मिसाल के तौर पर एक दाढ़ी वाला है, फ्रूट का कारोबार करता है, उसके बच्चे को रात में पुलिस उतराकर लेके चले गई कि तू आतंकवादी है। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, तुम इन तीनों में किसको फोन करोगे? यही तो बताने आया हूं, तुम किसको फोन करोगे जिस पे तुमको भरोसा है कि मेरा फोन उठाएगा, मेरे को दिलासा देगा, मेरे लिए लड़ेगा? ये दोनों को फोन करे तो सो जाते, बोलेंगे साहिब को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अभी अभी टॉनिक लेके सो गए, तबीयत खराब होती रात में। और बीजेपी के कैंडिडेट को बोलेंगे तो वो बोलेगा मेरे को फोन किया, मैं भगवान हूं, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, तकालीफ को बर्दाश्त कर रहा है। आज हमको उनको इनाम देने का टाइम आया, एक एहसान कर दो, अगर तुम बाबा साहेब अंबेडकर को मोहब्बत करने वाले हो, क्या तुम बाबा साहेब अंबेडकर से मोहब्बत करते हो? आप करते बाबा साहेब अंबेडकर से मोहब्बत? तुमको उस मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूं, मेरे भाई को कामयाब कर दो, कामयाब कर दो। अब मोदी क्या बोल रहे, मोदी बोल रहे सेनाओं के नाम पर वोट मांग रहा है। अरे मोदी तुमको तो इमरान खान तुम्हारे साथ है, और भारत का गरीब दलित वंचित समाज के लोग प्रकाश अंबेडकर के साथ। मेरे भाई, मेरे भाई, वोट डालने से पहले सोच लो कि जो तुम्हारा एमपी बनेगा कौन पार्लियामेंट में जाकर दंगल समाज का शेड्यूल ट्राइब का लड़ेगा? बोलो बोलो, ये पीली टोपियां पहनने वालों, तुम्हारी टोपी को निकाल कर मोदी ने फेंक दिया, इसी ग्राउंड में खड़े होकर नरेंद्र दास
ٹوپی پہن کر اپنی سماج کے انصاف کے لیے آپ بنانے والوں تم کس کا ساتھ دو گے بتاؤ؟ زور سے بتاؤ۔ اب آپ کو گھر دکھانا ہے پورے مہاراشٹرا میں، جس نے آپ کو دھوکہ دیا، جس نے آپ کو جھوٹ بول کر اٹھ حاصل کیا، ہراؤ ان کو، ضمانت ضبط کراؤ ان کی، گھر میں بٹھاؤ ان لوگوں۔ ایک اور بات، ارے ساتھ ہے کب تک ساتھ ہے، ساتھ ووٹ بھی ڈالو، ووٹ ڈالو۔ اب میرے بھائی، میں ایک اور بات آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں مسجد کا واقعہ شنڈے صاحب، بھیک مانگو شنڈے صاحب، یاد رکھو تمہارا جب نرسمہ راؤ پرائم منسٹر تھا تو جب بھی بابری مسجد کو توڑی گئی، اور ہم تم سے آج بھیک نہیں مانگ رہے۔ میں اسد الدین اویسی شولہ پور کے عوام کے سامنے اپنے بڑے بھائی کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ کس لیے مانگ رہا ہوں؟ مسجد کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، مندر کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، بدھسٹ بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہوں، دھنگر سماج کے انصاف کے لیے مانگ رہا ہوں، غریبوں کے انصاف کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے بھیک دو گے نہیں دو گے؟ دو میرے بھائی، میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ میں کس لیے پھیلا رہا ہوں تمہارے سامنے ہاتھ؟ کہ ہندوستان میں جب تک کمزور لوگ نہیں ملیں گے، جب تک ہندوستان کے کونے کونے میں مائیں اپنے بچوں کو نہیں کہیں گی کہ بیٹا جس طرح اویسی اور بابا صاحب مل گئے، اسی طرح پورے ملک میں مل جاؤ، ختم کرو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ وہاں بیٹھی میری ماں سے کہہ رہا ہوں، میری ماں آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پرکاش امبیڈکر کی طرح بنائیے۔ نوجوانوں، تم اپنے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو اویسی سے اچھا بنانا، آج دنیا کو ضرورت ہے لڑنے والوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اب یہ میڈیا کا بھی بڑا رول، برا مت مانو ہمارے میڈیا کے لوگ، آپ میں معلوم آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ موڈی کا ایک انٹرویو دیکھا پیپر میں، ٹی وی پہ، دو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں ان کا، اور ایک انٹرویو لینے والی میڈم ان سے پوچھ رہی ہے، ایک بات تو بتائیے، پوچھنا پڑے گا۔ میں بولا یہ کیا پوچھیں گے؟ بولے ایک بات تو بتائیے کہ آپ کو اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو ٹانک پیتے کیا؟ ہم کو نہیں معلوم تھا موڈی صاحب ٹانک مارتے۔ میں نے بولوں میڈم بولے، یہ کوئی سوال ہے؟ اچھا موڈی صاحب، ان سے پوچھا گیا کیا آپ روزے رکھتے؟ میں خالی پانی، خالی پانی نہیں، پپائی، پپیتا بھی کھا لیتا۔ انٹرویو ہو رہا پرائم منسٹر سے، نوجوانوں کو نوکری 2 کروڑ نہیں پوچھتے، دنگر سماج کو تم نے وعدہ کیا تھا ایس ٹی ڈی اسٹیٹس نہیں پوچھتے، 15 لاکھ نہیں پوچھتے، کچھ نہیں پوچھتے، روزہ رکھ رہے کیا؟ اچھا موڈی کو دیکھو آپ، ایسا شرما رہے، ایسا شرما رہے جیسا کوئی دولہے کی شادی ہوتی ہے۔ ایسا شرما رہے موڈی صاحب، 64 ایئرز میں بھی آپ کیا شرما رہے؟ یعنی پہلی مرتبہ اگر کوئی شادی ہو کے سسرال کو جا دے نا تو سسرال بند، کھا بیٹا کھا، یہ میڈیا والوں پلیز اپنی عزت بچا لو آپ، ورنہ موڈی مٹیا میں لیل کر دے گا آپ کو، یاد رکھو۔ اچھا میڈیا کے سامنے ہمارے کو کھڑا کر دو، اویسی تم آتنکوادی ہو کیا؟ تم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہو، مانے شروع سے ہم پہ وار کرتے، ان کو لگتا کہ ہم ان کے دولے بھائی ہیں اور موڈی ان کے ہیرو۔ کیا بات! میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں، میرا الیکشن کل ہے حیدرآباد میں، کل پولنگ ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے آشیرواد
कर हम दोनों जाएंगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे मेरे भाई, ये सोलापुर में आया हूं तो मोहसिन शेख में अगर बात नहीं करूंगा तो ना इंसाफी होगी। मोहसिन शेख को अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उसको इंसाफ दिला दे। और ये बीजेपी की हुकूमत ने मोहसिन शेख को मारने वालों की उनका प्रोटेक्शन कर रही है। फडणवीस साहब आप चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, मोदी तुम प्रधानमंत्री जरूर हो, मगर याद रखो जब गरीब मरता है ना, और जब उस गरीब की मां अपने नौजवान बेटे या बेटी की लाश को देखकर उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, तो इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह उसकी रहमत जोश में आ जाती है कि एक मजलूम और गरीब बेबसी के आलम में पुकार रहा। मेरे भाई मोहसिन शेख को मत बोलो इसके लिए इंसाफ दिलाना है, कैसे दिलाएंगे? नारों से दिलाएंगे? आंख से आंसू बहाकर दिलाएंगे? नहीं, वोट डालकर दिलाएंगे, ये सरकार को हटाकर दिलाएंगे। मोहसिन शेख की लाश उस कब्रिस्तान से सोलापुर की आवाम को पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझसे अब तक इंसाफ नहीं हुआ सोलापुर के रहने वालों। मैं भी सोलापुर में पैदा हुआ था, मैं भी इसी सरजमीन में बड़ा हुआ, मैं गरीबी की वजह से पूना में जाकर काम कर रहा था। सोलापुर की मेरी मां और बहनों, मोहसिन शेख तुम्हारा बेटा था। सोलापुर के बुजुर्गों, मोहसिन शेख तुम्हारा बेटा था। सोलापुर के नौजवानों, मोहसिन शेख तुम्हारा भाई था। इस बेटे भाई के लिए तुमको इंसाफ की लड़ाई लड़ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। और हमारे मुल्क का माहौल कैसा हो गया मेरे भाई, आसाम में शौकत अली एक शख्स है, मैं खत्म कर रहा हूं बाबा साहब को बोल रहा। शौकत अली 70 साल का एक युवा, आसाम में गाय कशी का कानून नहीं है, शौकत अली को मार मार कर किचड़ में गिरा कर मारे और उसके मुंह में सुअर डालकर खिलाते। मुसलमान सुअर नहीं खाता, इस्लाम में हराम है। बताओ मोदी जी, क्या आपने ट्वीट किया? क्या आपने कंडेम किया? मैं भारत के उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जिन्हें नाज है हिंदुस्तान पर, जिन्हें नाज है हिंदुस्तान पर, जिन्हें फखर है तिरंगे पर, जिसे मोहब्बत है संविधान जिसको बाबा साहिब ने बनाया, उठो और बचा लो हिंदुस्तान को, बचा लो इस मुल्क को, वरना याद रखो इस मुल्क में इंसानियत खत्म हो जाएगी, इस मुल्क में हमदर्दी और भाईचारे का खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी बात को खत्म करूंगा। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा आखिर में कि जब वोट करो तो याद रखो तुम कौन हो, क्या हो, याद रखो। जिस ईद के दिन इंसान मरे उस ईद के दिन को याद रखो। गौ मांस के शक में मारे गए अखलाक चचा को याद रखो। उस आसिफा अपनी गुड़िया को क्यों मारा गया था याद रखो। तुम इसकी सशक्ति आहों को जख्मों को याद रखो। जब वोट करो तो याद रखो तुम कौन हो, क्या हो, याद रखो। वो हाफिज कुरान जुनैद इस प्यारे जवान को याद रखो। क्यों रेल में इसका खून बहा इस किस्से को याद रखो। अफरोज की बोटी बोटी से बहते लहू को याद रखो। और मारे गए थे पीलू खान ये बात भी याद रखो, यारो याद रखो। क्यों मिलना नहीं है प्यारे नजीब, क्यों मिलता नहीं है प्यारा नजीब, क्या राज है इसमें याद रखो।
जब वोट करो तो याद रखो तुम कौन हो, क्या हो, याद रखो। क्यों रोहित वेमुला को मारा गया इसको याद रखो। और शायर ने कहा, आतंक मचाए हिंद में कौन है, कौन यहां ही आतंकी, आखिर की गुजारिश है तुमसे वोटिंग के समय तुम याद रखो। मेरे भाई अपने वोट का इस्तेमाल करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज